समाचार के सह प्रायोजक है घर संसार, जहां एक नहीं 51,000 वैरायटियों के साथ कम दाम और अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध है घर का सामान। स्थान भोला राम उस्ताद मान एवं होटल पार्क सयाजी के सामने विजयनगर इंदौर। इस समाचार के प्रायोजक है मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस समाचार के प्रायोजक है दास बेकर्स शिव शक्ति विला, स्कीम नंबर 103 के सरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली का असर उसकी सेना पर पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सेना ने फ्यूल की कमी होने की वजह से अगले 5 महीने यानी दिसंबर तक कोई भी मिलिट्री ड्रिल नहीं करने का फैसला किया है। जापान बहुत जल्द अपने खराब हो चुके न्यूक्लियर प्लांट में मौजूद ट्रीटेड रेडियोएक्टिव वाटर को पैसिफिक ओशन में छोड़ने जा रहा है। इसके लिए उसे UN के न्यूक्लियर वॉचडॉग से अप्रूवल भी मिल गया है। 1 जुलाई को शुरू हुई अमरनाथ यात्रा के पहले 5 दिनों में कुल 67,566 तीर्थयात्रियों ने अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। बुधवार को बालटाल बेस कैंप और नुनवान बेस कैंप से 18,354 तीर्थयात्री अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुए। इंदौर जबलपुर समेत मध्य प्रदेश के 21 जिलों में गुरुवार को भारी बारिश का अलर्ट है। इन जिलों में 4 इंच से ज्यादा पानी गिर सकता है। शुक्रवार से बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होगा, इससे लगातार 3 दिन तक प्रदेश में तेज बारिश का दौर रहेगा। सीधी पेशाब कांड पीड़ित आदिवासी युवक और उसका परिवार गुरुवार को CM शिवराज से मिलने CM हाउस पहुंचा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीड़ित आदिवासी का हाथ पकड़कर उसे भीतर ले गए, कुर्सी पर बैठाया, पांव धोए, आरती उतारी और तिलक लगाया। इंदौर के सियागंज में बुधवार रात एक कोल्ड स्टोरेज में भीषण आग लग गई। आग की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। यहां दमकल कर्मियों ने शुरुआत में आग बुझाने का काम किया। बांग्लादेश के कप्तान और ओपनिंग बैटर तमीम इकबाल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उन्होंने गुरुवार को चट्टोग्राम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रिटायरमेंट अनाउंस किया। जका अशरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन गए हैं। पाकिस्तान सरकार ने अशरफ की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय कमेटी की घोषणा की है। कमेटी में पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज जहीर अब्बास को भी शामिल किया गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सनन ने हाल ही में अपना प्रोडक्शन हाउस ब्लू बटरफ्लाई फिल्म लॉन्च किया है, जहाँ एक तरफ सभी उन्हें बेस्ट विशेष देने में बिजी है तो कुछ यूजर्स को लगता है कि कृति ने इस तरह अपने कथित एक्स बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत को ट्रिब्यूट दिया है। आदि पुरुष की बुरी तरह बॉक्स ऑफिस पर पिटने के बाद प्रभास को अपनी अपकमिंग फिल्म सालर से काफी उम्मीदें हैं। इस बीच गुरुवार को मेकर्स ने फिल्म का टीजर रिलीज किया है। टीजर में हाई वोल्टेज एक्शन और जबरदस्त स्टंट के साथ साथ प्रभास की दमदार झलक भी दिखाई गई है।